हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं होममेड लिप्पन आर्ट, जिसके लिए मैंने ये मिठाई का डिब्बा ले लिया है और इसको चारों तरफ से फिनिशिंग से हम कटिंग कर लेंगे। परफेक्ट डो बनाने के लिए आपको ये वाली वॉल पुट्टी लेनी है। ध्यान रहे आप यही वाली वॉल पुट्टी यूज़ करें, जिससे कि आपका डो बहुत ही अच्छा बनेगा। सबसे पहले आपको एक छन्नी में इसे 3 चम्मच वॉल पुट्टी लेकर अच्छे से छान लेना है। ध्यान रहे कि इसमें कोई भी कण ना रह जाए, ताकि आपके कीप में ये ना फंसे। बस आपको इसी तरह से वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड टिप्स देती रहूंगी। देख सकते हैं यहाँ पे पाउडर एकदम से फाइन हो चुका है। अब आपने जितना भी पुट्टी ली थी, उसी सेम अमाउंट में आपको यहाँ पे फेविकोल भी लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं आप कि इसे मिक्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे एंड इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आपका पेस्ट परफेक्ट बना है कि नहीं, इसके लिए आपको एक साइड में इसे करना है और देखना है कि ये बिगड़े नहीं, तभी आपका पेस्ट परफेक्ट होगा। अब पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब बारी है कोन बनाने के, जिसके लिए आपको इस तरीके की प्लास्टिक की पॉलीथीन ले लेनी है और इसे 6x4 इंचज में काट लेना है। कुछ इस तरीके से आपको पॉलीथीन को धीरे धीरे करके फोल्ड करते जाना है एंड अपने फिंगर की मदद से इसे आप धीरे धीरे करके ट्विस्ट करते जाएं, जिससे आपका कोन परफेक्ट शेप ले लेगा। एंड सेलो टेप की मदद से आपको पूरा कोन अच्छे से फिल करना है, जिससे आपका पेस्ट कहीं से भी लीक ना हो। जब तक ये कोन बनकर रेडी हो रहा है, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं एक स्केच आर्टिस्ट भी हूँ। अगर आपको भी अपना स्केच बनवाना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरे चैनल पे एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप अपना ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। एक टिप्स आपके लिए ये है कि आप जब भी कोन में पेस्ट डालें, तो एकदम बीचों बीच में डालें। इसमें आपका कोन अच्छे से चलेगा एंड लीक नहीं होगा। जब भी आपको इसमें ऐसा बबल्स दिखाई दे, उसे इस तरीके से ठीक करना है और कोन को ऊपर से थोड़ा कम ही भरना है। अब इसमें बढ़िया से रबर लगा देनी है। इस पर मैंने लगा दी है जैसो की फर्स्ट लेयर। अगर आपको भी होममेड जैसो बनाना सीखना है, तो जल्दी से जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जैसो का फाइनल रिजल्ट कितना अच्छा है। अब सेंटर को ध्यान में रखते हुए कुछ सर्कल बना लेंगे। अब मैंने इस पर बना ली है गणेश जी की प्यारी सी ड्रॉइंग। अब इस पर हम अब आपने जो भी डिजाइन बनाई है, उसके ऊपर सिंपली आपको कोन को चलाते जाना है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कोन को बहुत नीचे से ना चलाएं, थोड़ा सा उठाकर चलाएं। अगर आपको जरूरत हो तो इस पर आप फेविकोल लगाने के बाद आप कोन चला सकते हैं। मैं यहाँ गणेश जी को ब्लू कलर से कर रही हूँ और कुछ मिरर की सहायता से इस आर्ट वर्क को कम्प्लीट करूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।